हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ आशीष। फ्रेंड्स, भारत और यूएस को देखते हुए चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एरियल लॉन्च मिसाइल को डेवलप किया गया है। अभी तक दुनिया में रशिया और अमेरिका के बाद चाइना यह टेक्नोलॉजी को हासिल किया है, तो हमारा भारत यह टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों नहीं काम करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। चाइना के तरफ से भारत और यूएसए को नजर रखते हुए एक समंदर से एयर में लॉन्च होने वाला एंटी सिम बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहा है, जिसे चाइना के तरफ से लॉन्च किया गया था, जो कि 3000 किलोमीटर तक मार सकता है और न्यूक्लियर वारहेड भी कैरी कर सकता है। ये मिसाइल को चाइना के तरफ से H-6N स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को देखते हुए डेवलप किया गया है, जो इसे आराम से कैरी कर सकता है। ये बॉम्बर चाइना अपना आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल करता है। हाल ही में इस चीनी H-6S बॉम्बर को हाइपरसोनिक एंटीसिप बैलिस्टिक मिसाइल का एरियल लॉन्च वर्सन के साथ उड़ान भरते हुए देखा गया था। अभी तक दुनिया में इस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका रशिया के पास है और अभी चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। चाइना का यह मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में 2017 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से खुलासा किया गया था। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू आप रहे सबसे आगे। अब थोड़ा मिसाइल के ऊपर नजर डालते हैं। यह एक एंटी सिप मिसाइल है, जिसे दो ट्विन स्टेज इंजन के माध्यम से पावर दिया जाता है, जो कि सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल करता है, जो कि न्यूक्लियर वारहेड भी कैरी कर सकता है, साथ साथ 3000 किलोमीटर तक टारगेट भी कर सकता है। चाइना की तरफ से ये मिसाइल का नाम DF-21 रखा गया है। इसका लेंथ 9 मीटर होता है, जो कि 2000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मिसाइल को हम जमीन से भी फायर कर सकते हैं। स्पेशली ये मिसाइल के जरिए हम एयरक्राफ्ट को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साउथ चाइना सी पे अभी यूएसए का एयरक्राफ्ट करियर घूम रहा है, तो इसे देखते हुए चाइना की तरफ से ये मिसाइल को शायद डेवलप किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी आपका मन में जरूर एक सवाल आता होगा कि हमारा DRDO ने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इतना अचीवमेंट कर रहा है, तो ये मिसाइल के ऊपर काम क्यों नहीं करता है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस क्यों नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी तक हमारे भारत के पास हवा से मार करने वाली एंटी सिप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल क्रूज मिसाइल से अधिक लंबे और अधिक वजनदार होते हैं, और ये मिसाइल को कैरी करने के साथ साथ एयर में रिलीज करने के लिए एक बड़ा एयरक्राफ्ट चाहिए, नहीं तो एक बड़ा बॉम्बर प्लेन का जरूरत पड़ता है। अभी तक फिलहाल हमारा भारत के पास ऐसा कोई बॉम्बर या ऐसा कोई बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं है, जो ये मिसाइल को कैरी करके एयर में रिलीज करवा सकता है। हमारा भारत के पास जो एंटी सिप एयर लॉन्च बेस्ड मिसाइल है, वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल होता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट SU-30 MKI फाइटर इंक्लूडिंग किया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हमारा SU-30 MKI का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बढ़िया एंटी सिप वारफेयर के लिए माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि सही एक्यूरेसी में टारगेट कर सकता है। करीब Mach 3 से ज्यादा स्पीड पे ये मिसाइल टारगेट करता है, जिसके कारण कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को इतने आसानी से टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा DRDO की तरफ से DF-21D चाइनीज मिसाइल जैसा हमारा ब्रह्मोस मिसाइल को रेडी कर दिया जाएगा, तो हमें लॉन्च करने के लिए एक भी प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां से हम इसे लॉन्च करवा सकते हैं। और हमारा भारत भी अभी कोई बॉम्बर प्लेन को खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा है। यदि हम ये मिसाइल को डेवलप करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो क्यों डेवलप करेंगे, जिसके कारण हमारा DRDO और भारत की तरफ से ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।